गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बुक का चैप्टर 9 फिनिश हो गया है। तो हमारी वर्कशीट जो रह गई हैं 26 और 27, आज उन वर्कशीट्स को हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने से पहले हम वर्कशीट जो हमने पहले की हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब सेम बेस होता है, सेम बेस, इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है, तो आपस में जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। किस में? मल्टीप्लाई में। और इस डॉट का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या है इस डॉट का मतलब? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मीन्स आपको एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स, अब ऐसे बहुत सारे एक्स हैं, उन्हें आपको एक ही में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप? x की पावर, क्या x की पावर कितनी बार लिखा हुआ है? x 1 2 3, तो x की पावर कितनी आएगी? x की पावर 3। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, 4y और 2y, 4y का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है? 2y में। तो मल्टीप्लाईज में पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो पहले 4 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और y का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y की पावर 2। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, 9z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 4z, तो यहाँ पर जब कुछ भी नहीं होता z के आगे या x के आगे तो मीन्स 1 है। तो 9 का मल्टीप्लाई 1 में किया 9, और 9 का मल्टीप्लाई हमने 4 में किया, तो 9 4 जा 36। नाउ अब जेड की पावर देखेंगे, तो 1 2 3, कितनी बार जेड आया है? 3 बार, मीन्स जेड की पावर 3। ओके, आगे देखिए, 4z डॉट 2z, फटाफट से मुझे आंसर बताइए क्या आएगा? 4 2 जा 8, और जेड का मल्टीप्लाई हम जेड में करेंगे तो जेड की पावर 2। क्या है नेक्स्ट? y डॉट y डॉट y डॉट y, मीन्स y का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4। बेस क्या है? y, सेम है, तो क्या हो जाएगा? y की पावर, y पे कितनी चिड़िया हो जाएंगी बच्चों? 1 2 3 4, मीन्स y की पावर 4। क्या होगा? y की पावर 4। ठीक है, तो अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन तो समझ में आ गए कि जब आपको सेम बेस का मल्टीप्लाई एक साथ करना है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। क्या हो जाएंगी बच्चों? ऐड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये x x x है, सबका बेस कैसा है? सेम है, और इसकी पावर 1, इसकी 1, इसकी 1, तो मिलकर कितनी पावर हो गई? x की पावर 3। आई बात समझ में? चलिए, अब हमें जो वर्कशीट कौन सी करनी है, आगे की वर्कशीट करनी है। उन आगे की वर्कशीट को समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक बार मैं उसको रिवाइज करवाऊँ, तो पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से समझिएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपके समझने के ऊपर डिपेंड है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो बहुत ईजी है। देखिए, जब हम कोई माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं, ये सारी बातें आप इंटीजर चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। माइनस का मल्टीप्लाई हम माइनस साइन में करेंगे तो आंसर हमेशा किस में आएगा बच्चों? प्लस में। अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो आंसर किस में आएगा? हमेशा माइनस में। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो भी आंसर किस में आएगा? हमेशा माइनस में। और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो आंसर किस में आएगा? हमेशा प्लस में। मतलब अगर सेम साइन होंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, मतलब सेम साइन होंगे तो आंसर प्लस में आएगा, और डिफरेंट साइन होंगे, ये प्लस है ये माइनस, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। ये माइनस है ये प्लस, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। मीन्स सेम साइन, इट मीन्स डैट सेम साइन होगा तो आंसर प्लस में आएगा, और डिफरेंट साइन होगा तो आंसर माइनस में आएगा। आई बात समझ में आपको? देखिए,
से बच्चों आपको माइनस टू का मल्टीप्लाई किस में करना है? माइनस टू में। मीन्स माइनस का माइनस साइन का मल्टीप्लाई किस में करना है? माइनस साइन में। मीन्स सेम साइन है तो आंसर किस में आएगा? जल्दी बताइए। माइनस का मल्टीप्लाई हम माइनस में करते हैं तो आंसर किस में आता है? सबको पता है ना आंसर किस में आएगा? प्लस में। और टू टू जा फोर, तो उसका आंसर क्या आ गया? प्लस के फोर। अब ऐसे लिखा है माइनस के टू, और टू मीन्स माइनस का साइन का मल्टीप्लाई हमें प्लस साइन में करना है तो आंसर क्या आएगा? माइनस के फोर। ठीक है, आंसर किस में आएगा? माइनस के फोर। अब टू का मल्टीप्लाई हमें माइनस के टू में करना है, मतलब प्लस का मल्टीप्लाई हमें माइनस में करना है तो आंसर किस में आएगा? माइनस के फोर। और प्लस का टू का मल्टीप्लाई हमें प्लस के टू में करना है तो आंसर किस में आएगा? प्लस के फोर। मीन्स अगर सेम साइन है तो आंसर प्लस में आएगा, और डिफरेंट साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। बस यही वाले कॉन्सेप्ट आपको कि मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स का किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है ये आपको आना चाहिए। आप चाहे तो इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे। ओके, अब हम वर्कशीट में जो एक्सरसाइज 26 है उसको करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये पहला क्वेश्चन है कि आपको x का मल्टीप्लाई किस में करना है? 2x माइनस 3x में, मतलब x ब्रैकेट 2x माइनस 3x। अब देखिए बच्चों, ब्रैकेट लगा है इसका मतलब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। ओके, तो x आपका यही लिखा रहेगा। अब देखो, आपको सब्ट्रैक्शन करना सिखाया गया है, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं। तो ये है 2x, ये है 3x, दोनों ही कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? x फैमिली को। दोनों ही x फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके आगे क्या है बच्चों? 2। इसके आगे क्या है? ये पूरा माइनस 3। ठीक है, तो आपको क्या सिंपली क्या है? 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 है ना, तो 2 माइनस 3, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। आंसर किस में आएगा? जो साइन बड़ा है तो माइनस का साइन बड़ा है या प्लस का साइन? माइनस का ना, तो माइनस के 1। ठीक है, और आपस में क्या हो जाएगी? ये सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस के 1 और एक्स का एक्स। ओके, मीन्स एक्स का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है? माइनस के 1x में। अब मल्टीप्लाई, अभी हमने मल्टीप्लाई करने तो सीखे ना। अब जैसे ये प्लस का साइन है और अंदर माइनस का साइन है, तो प्लस का मल्टीप्लाई हम माइनस में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? डिफरेंट साइन है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। वेरी गुड। और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब x का मल्टीप्लाई 1 में, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यही तो है 1। 1 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1। और x का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो बेस सेम है, x और x, तो x के ऊपर कितनी चिड़ियाँ आ जाएंगी? 2 चिड़ियाँ, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? माइनस के 1x स्क्वायर, या हम सिंपली इसको माइनस के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 शो करे या ना करे उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, माइनस के 3x एक्स माइनस के 4x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसे? देखो, माइनस के 3x है, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब क्या होगा? ब्रैकेट सॉल्व। तो यहाँ पर क्या है? 1 माइनस 4, आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 4 करिए, 1 माइनस 4, आंसर क्या आएगा? माइनस के 3। अंदर क्या आ जाएगा? माइनस के 3x। ओके, अब माइनस का साइन में मल्टीप्लाई हम माइनस में करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस। आंसर क्या आएगा? प्लस। और 3 का 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9। ओके, और x का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 बार x का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एक बार x है दूसरी बार x है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, 2 बार है ना, 2 चिड़िया आ जाएंगी x पर, तो x
स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस के 9s स्क्वायर। तो सब बच्चों को इसी तरीके से करना है, ठीक है। और क्वेश्चन समझिए, आगे देखिए क्या है, माइनस के 4z ब्रैकेट में जेड माइनस 2z। हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे बच्चों, ब्रैकेट, तो माइनस के 4z ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो जेड माइनस 2z, ऐसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो आपने सीखे है ना, मैंने आपको सिखाए हैं आगे की वर्कशीट्स में। तो जेड माइनस 2x क्या आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है 1, तो 1 माइनस 2 क्या आएगा आंसर, माइनस के 1, 1 माइनस 2 मीन्स माइनस के 1, और जेड है तो जेड आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस के 4z का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, माइनस के 1z में, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और z का मल्टीप्लाई हम z में करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, z मल्टीप्लाई z, z की पावर 2, कितनी बार आया है z, इसलिए z की पावर 2। नेक्स्ट देखिए 3y ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जल्दी सॉल्व करते हैं इसको, 2y प्लस y तो कितने y हो जाएंगे, 3y। अब 3y का मल्टीप्लाई हम 3y में करेंगे, यहाँ पे भी प्लस साइन है और यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो प्लस का मल्टीप्लाई हम प्लस में करेंगे, आंसर क्या आएगा प्लस, और 3y का मल्टीप्लाई हम 3y में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर। आई बात समझ में सभी को, मैं कहूँ माइनस के 4z का मल्टीप्लाई माइनस के 9z में करो तो माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा, 4z 4 का 9 में करेंगे मल्टीप्लाई 36, z का मल्टीप्लाई z में करेंगे z स्क्वायर। आई बात समझ में सभी को, आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपके पास ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन से बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। माइनस के 4x ब्रैकेट में x प्लस 5x प्लस x माइनस 4x, ये है आपका, ठीक है। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म ऐसे लिखा रहेगा। अब हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, तो पहले हम x के पॉजिटिव वाले टर्म देखेंगे, प्लस प्लस वाले टर्म, तो ये साथ में ही लिखे हुए हैं, तो क्या है ये x प्लस 5x, तो यहाँ पर कुछ नहीं है 1, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है 1, तो 1 प्लस 5 6 6 प्लस 1 7, तो क्या आ जाएगा 7x माइनस 4x। आगे माइनस के 4x, अब 7x माइनस 4x, तो क्या आएगा 7 माइनस 4 3, तो क्या आ जाएगा 3x, ठीक है। तो माइनस के 4x ब्रैकेट में 3x, आई बात समझ में सभी को। फिर क्या करेंगे हम बच्चों, अब यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई हम प्लस में करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस में, 4 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 3 12, और x का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई x में करिए, जल्दी बताइए मुझे, हम जब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x की पावर 2, क्योंकि कितनी बार x आ रहा है 2 बार, एक बार ये x की पावर 1, एक बार ये x की पावर 1, तो x की पावर 1 और x की पावर 1, तो कितनी हो गई x की पावर 2, कितनी हो गई x की पावर 2, तो आंसर क्या आएगा माइनस के 12x स्क्वायर, क्या आ गया आंसर माइनस के 12x स्क्वायर, ओके। देखिए नेक्स्ट क्या है, 4y ब्रैकेट में y माइनस 3y प्लस 4y माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म तो ऐसे लिखा रहेगा, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे बच्चों, ब्रैकेट, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम y के प्लस प्लस वाले टर्म को देखेंगे, पॉजिटिव टर्म को, तो ये है और ये, ठीक है, तो इसको एक तरफ लिख लेंगे, फिर माइनस वाले, एक ये है और एक ये, तो माइनस के 3y माइनस के 3y, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा आंसर, 4y, y प्लस 4y, तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 प्लस 4, 5y, माइनस 3 माइनस, अब ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 3 है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, और आपस में क्या होंगे ये ऐड, तो 3 प्लस 3, 6, तो माइनस के 6y, ठीक है। आगे देखिए 4y ऐसे लिखा रहेगा, अब 5y माइनस 6y, 5 माइनस 6 आंसर क्या आएगा, माइनस के 1, माइनस के 1y, ओके। अब यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो आपस में क्या होंगे ये, क्या होंगे बताइए, आप मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर किस में आएगा, माइनस में, और 4y का y में करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 4 4 1 4, y का मल्टीप्लाई हम y में करेंगे, तो y स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आया ना, तो ये बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, बस आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ऐसे टर्म तो आपको बहुत सॉल्व करने सिखाए गए हैं, तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है, और साइन का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे साइन में मिस्टेक करते हैं, तो जो मिस्टेक करते हैं वो बिल्कुल साइन का ध्यान रखें, कि आपको साइन का ध्यान ज़रूर रखना है, माइनस साइन या प्लस साइन आपको इग्नोर नहीं करने हैं, आप भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तानी इग्नोर कर देते हैं या फिर ध्यान से वर्क नहीं करते हैं, तो जो बच्चे मैथ्स में ध्यान से काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी बहुत ही ध्यान से काम कीजिए, साइन का ध्यान रखिए, माइनस साइन आप लोग बिल्कुल हटा ही देते हैं, भूल ही जाते हैं कि माइनस साइन है या नहीं, प्लस साइन आप जानते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप माइनस साइन को हटा देंगे, माइनस साइन भूल जाएंगे, तो उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट में एक्सरसाइज 26 और एक्सरसाइज 27 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप ऑनलाइन मीटिंग में मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। गुड बाय एवरीवन।